देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री महोदय, ये इलाका, ये विकाराबाद जिला, मैं यहीं से एमएलए हूँ। मेरे साथ साथ मेरा लोक असेंबली का स्पीकर भी यहीं क्षेत्र से एमएलए बना हुआ है। जब देश रक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर जोड़कर काम करना है, इसमें कोई गलत राजनीति के लिए कोई कोशिश करना ही नहीं। कोई किसी ने कोशिश किए तो भी उन लोगों को भगवान ने, क्योंकि यहीं पर शिवजी मंदिर है, 400 साल पुराना शिवजी मंदिर है रामलिंगेश्वर स्वामी, उन लोगों को ज्ञान भगवान ने देने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं शिवजी से। क्योंकि इस देश में खासकर हैदराबाद इज द प्लेस फॉर डिफेंस ऑर्डिनेंस, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, अदर सिक्योरिटी के लिए सब सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हमारे राज्य में, खासकर हैदराबाद क्षेत्र में बहुत सारे हैं। हैदराबाद एंड तेलंगाना इज द स्ट्रैटेजिकल लोकेशन फॉर द कंट्री। तो देश रक्षा के लिए हम लोग राजनीति से आगे सोचना है, साथ में मिलकर काम करना है। राजनीति और कहीं कर सकते, चुनाव में कर सकता है, और कहीं कुछ कर सकता है, डिफर हो सकता है, आइडियोलॉजी में हम बाइस कर सकते हैं, मगर ऐसे देश रक्षा के लिए जब बात आए सब लोग हम इकट्ठा होकर काम करना है। इसीलिए मैं दूसरे पार्टी के अगर मुख्यमंत्री भी हो, आप और किसी पार्टी के रक्षा मंत्री हो, मगर आप और मैं मिले तो ये देश को रक्षा कर सकते हैं। हम सब मिलके ये कार्रवाई आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर कुछ दिनों से कुछ लोग ऐसे ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते जा रहा है, तो उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सुरक्षा है, ये बायोडाइवर्सिटी पूरा, इकोलॉजी पूरा मेंटेन करने के लिए सब कुछ तैयार किए। यहाँ पर लाखों झाड़ू निकालने वाले ऐसा कुछ बात कह रहे हैं कि वैसा कोई बात नहीं है, मगर झूठ बोलने में वो लोग माहिर हो गए। 10 साल झूठ बोल के तेलंगाना को लूटने के लिए कोशिश किया, अभी लोग जानकारी किए। आप बेफिक्र रहो रक्षा मंत्री जी, हम लोग हैं, हम खड़ा करके इसको आगे काम लेकर जाएंगे। जब भी जरूरत है हम लोग है, हमारी सरकार तैयार है ये नावल स्टेशन के लिए, ये VLF आगे बनाने के लिए। आगे यहाँ पर मैं आई वॉन्टेड टू टेल इवन नेवी ऑफिसर्स ऑल्सो, माई गवर्नमेंट इज देयर टू सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अदर थिंग्स। ओनली माई रिक्वेस्ट इज दैट, यहाँ पर रामलिंगेश्वर शिव जी का मंदिर है, वहाँ लोगों का बहुत सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, लोग आने के लिए जाने के लिए किसी को तकलीफ नहीं देना है, क्योंकि इट इज वेरी सेंटिमेंटल वैल्यू। हम लोग मानते सब यहाँ के जनता को वहाँ जाने के लिए आप रास्ता देना। और दूसरी बात रहा, आप एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो भी लाना चाह रहे हैं, यहाँ पर अच्छा एडुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए तो यहाँ के लोकल स्टूडेंट भी कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए अगर आप लोग जगह दिए तो वो लोग कुछ सीख सकते, क्योंकि नेवी इंटरेक्शन, नेवी स्टाफ से अगर यहाँ के विद्यार्थी लोग अगर इंटरेक्शन हो गए तो उन लोगों की भी कुछ एलिवेशन, कुछ सोचने के लिए आगे भी उन लोगों के लिए अच्छा होगा। आगे आप जो भी एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाना चाह रहे, कम से कम 1/3 ऑफ द एडमिशंस यहाँ के लोकल, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए दिए तो ठीक रहेगी। ये 2-4 जगह में आप लोगों का मदद जरूरी है, और पार्टी हमारे सरकार तो आपके साथ रहेंगे। कोई भी कुछ पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज बना रहे तो उन लोग ऐसे बोलते जाएंगे, हम लोग ये पूरा काम खत्म कर लेंगे, अच्छा डेवलपमेंट लेकर जाएंगे। तेलंगाना सरकार आपके साथ है। धन्यवाद।